मथुरा जंक्शन से ट्रेनों में चोरी करने वाले एक शातिर को पकड़ा है, जिसके कब्जे से चोरी किए हुए 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप व करीब 1960 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। मथुरा थाना जीआरपी पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसके पास से चोरी किए गए अलग अलग कंपनियों के 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1960 रुपए की नकदी बरामद की है। आपको बता दें, चलती ट्रेनों में लूटपाट व चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए जीआरपी पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जीआरपी पुलिस ने मथुरा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 से एक ऐसे शातिर को पकड़ा है, जो ट्रेनों में मोबाइल पर्स वगैरह और लोगों के बैगों पर हाथ साफ किया करता था। उसके बाद बैग में लोगों के मोबाइल नंबर ढूंढ कर उस पर कॉल करता था और शिकार हुए लोगों के पास फोन पर बोलता था कि आपका बैग मेरे पास में है और मुझे स्टेशन पर मिला है, जिसकी एवज में शिकार हुए लोगों से अपने अकाउंट में 2000 के लगभग डालवा लिया करता था। जैसे ही पैसा खाते में आता, उसके बाद वे उन लोगों का फोन नहीं उठता था। इसी तरह से कई लोगों को अपना शिकार बनाकर ट्रेनों में बड़ी ही आसानी से घटनाओं को अंजाम देता रहता था। इस मामले जीआरपी प्रभारी शिव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, पकड़ा गया अभियुक्त सिद्धार्थ एसओ समुद्र सिंह, निवासी कारब थाना महावन, बड़े ही शातिराना तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाया करता था और कभी कभी तो लोगों को सिपाही बनकर भी फोन किया करता था, जिसे आज हमारे द्वारा पकड़ने में सफलता हासिल की गई है और इसके पास से चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। आप देख रहे हैं मथुरा से हेमंत कटारा की रिपोर्ट। ये सिद्धार्थ है, कारा में रहने वाला है। ये ट्रेनों में चोरियां करता है, बैग चुराता है और बैग में जब किसी का मोबाइल नंबर मिल जाता है तो उसे यात्री को फ़ोन करके पेटीएम में पैसे डलवाता है और उसका सामान भी वापस ले जाता है। कभी एसओजी का सिपाही बनता है, कभी ये जीआरपी का सिपाही बनता है, इस तरह ब्लैकमेलिंग भी करता है। इससे आज 7 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद हुआ है, जो विभिन्न चोरियों के। कहाँ से पकड़ा गया है ये 2/3? पकड़ा कहाँ से? रेलवे स्टेशन 2/3 प्लेटफार्म।